ये वीडियो मैं रात को बना के इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक पे वीडियो है वो मैंने अभी देखा और ये बहुत ज़्यादा फेसबुक पे वायरल हो रहा है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इस पर बात तो करनी चाहिए। और जिसने ये स्टेटमेंट दिया है उससे मैं सवाल डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ। मैं एक इसको रिलीजियस इशू बनाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत 110% ये नहीं मानता कि उसने ये रिलीजियस एंगल पर जानबूझ के किया, और अगर किया है तो उसका जवाब उसको देना चाहिए। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो क्लिप नहीं देखी है, तो मैं चाहता हूँ वो देखो, और वो पहले आधा देख लो और क्योंकि उसमें दो वीडियोस हैं तो पहले वो आधा देख लो, फिर उस पर बात करते हैं, फिर बचा हुआ आधा देखो, फिर उस पर बात करेंगे। मेरा पिया घर आया ओ राम जी लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया, मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज अ वाइफ यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है, वो गाना है तेरा करूं गिन गिन तो उसको लगा वनवास गिन रही है, साल 14 पे रुक गई है। जितनी क्लिप आप लोगों ने देखी, इस क्लिप को मैंने सोचा कि पहले जांच लेते हैं थोड़ा सा कि इसका आगा पीछा क्या है। कई बार होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि कहने वाले ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, या फिर वो क्या वो हर रिलीजन पे ऐसी बातें करता है, क्या उसने अपने रिलीजन पे भी ऐसे मजाक उड़ाया, खुद के ऊपर भी, या ऐसे टॉपिक्स पे जोक्स मारता है, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने देखा ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, इसका नाम है मुनव्वर फारूकी, आप इसको यूट्यूब पर ढूंढ सकते हैं, ठीक। बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है इसकी, कम ही वीडियोज़ है, लेकिन सब्सक्राइबर 1.5 लाख 2 लाख के आसपास हैं, 2 लाख से कम है, मतलब हैं। इसकी जो ये वाली वीडियो है जिसकी क्लिप आपने अभी देखी वो 9 अप्रैल की है, और ये लेटेस्ट वीडियो 9 अप्रैल बहुत दूर थोड़ी है, और ओरिजिनल वीडियो 12 मिनट की है। तो जो 12 मिनट की पूरी वीडियो है, पूरी स्टैंड अप कॉमेडी जो है, आप वो देख सकते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगा एक बार नाम लिखेंगे तो मैंने वो पूरी वीडियो देखी। सरप्राइजिंगली ये क्लिप का ये हिस्सा उस वीडियो में था ही नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वीडियो एडिटेड है, बहुत लोग खुश हो गए होंगे कि मैं पहली बार, नहीं, ये क्लिप इसलिए वहाँ नहीं है क्योंकि हो सकता है कि उसने ये समझते हुए कि ये उसका विरोध हो रहा है, जनता ने विरोध प्रकट किया है, जनता गुस्सा है और कोई एक्शन ना हो जाए, उसने उस क्लिप में से वो हटाया। और ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि वो जब भी ऐसे कमेंट्स करता है, अभी उसने जो अभी दूसरी क्लिप दिखाऊंगा उसमें उसने गोधरा कांड पे मजाक उड़ाया, उसने वीडियोज़ के नीचे आप जाएंगे तो कमेंट करने का जहाँ ऑप्शन होता है वो कमेंट वाला ऑप्शन ऑफ करके रखा है ताकि वो वहाँ पर ऑब्जेक्शन ना फेस कर सके। ज़्यादातर लोग ऑन रखते हैं ताकि कोई फीडबैक आए, हर तरह के रिस्पॉन्सेज के लिए लोगों को रेडी रहना चाहिए, लेकिन उसने कमेंट ऑफ रखा था कि कोई कमेंट नहीं कर सकता। अब मुद्दा ये है कि मैंने पूरी वीडियो देखी जो उसकी 12 मिनट वाली, उसमें मुझे कहीं से ये नहीं लगा, खैर ये वाली क्लिप तो थी ही नहीं, उसमें ये नहीं लगा मुझे कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके किसी को डिमीन कर रहा है या उसे कोई ऐसा मोटिव है। उसने हर मुद्दे पर बात की, सब कुछ ये वो, उसने अपनी बहन का भी बताया कि वो संतोषी माँ का देखती है, उनको संतोषी आपा बुलाती है वगैरह वगैरह। तो मुझे देख के लगा कि अच्छा हो सकता है भाई, मतलब उसका वो सेंस नहीं होगा कि किसी रिलीजन को डिमीन करे। तो मैं उसको बहुत न्यूट्रल बेसिस पे लेते हुए ये उसको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर वो देख रहा हो तो, क्योंकि फेसबुक पे उसकी ये क्लिप बहुत वायरल हो रही है, जनता उसका बहुत विरोध कर रही है, हो सकता है कि कोई ना कोई कंप्लेन भी कर दे इस क्लिप के माध्यम से, हो सकता है कि उसको कोई लीगल एक्शन फेस करना पड़ जाए, क्योंकि उसने जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे किया बहुत लोगों को सुनने में फनी लगता हो। अभी माहौल रामायण का चल रहा है, लोग रामायण घर पर देख रहे हैं, लोग इमोशनली अटैच हो रहे हैं, इतनी पॉजिटिव चीज़ें रामायण से निकल रही हैं, कई बुजुर्गों के मन में फीलिंग आ रही है कि उनका समय वापस आ गया 1980 का 85 का, जब भी ये टेलीकास्ट हुआ था 87-85 के आसपास। तो आप सेंटिमेंट के साथ खेल लें करंट सिचुएशन को देखते हुए, तो ये तो सबसे बड़ी गलती कर ही दी। और मुझे नहीं लगता कि ये इंसान जिस फ्रीडम से राम जी को सीता जी को कुछ क्या क्या बोल गया, या फिर उनको एक इंडिविजुअल कास्ट करके अपने जो की स्टोरी में कास्ट करके ये सब चीज़ें बना गया वो, तो क्या वो ऐसा मोहम्मद साहब के साथ कर सकता है या किसी इस्लामिक कैरेक्टर के साथ जिसको पूजा जाता है, जो भी माना जाता है, या अल्लाह के साथ, या किसी को भी एक इंडिविजुअल मान के अल्लाह ने ये कहा फिर ये मजाक बन गया, ये ऐसा कर सकता है वो मुझे कमेंट में जवाब दे, मैं चाहता हूँ, या उसके समर्थक जवाब दें। अगर वो नहीं कर सकता तो दूसरों पर भी मत करो, और अगर तुम कर भी सकते हो तो सिर्फ तुम अपने तक रहो, अपने रिलीजन के ऊपर जितने जोक्स बनाने हैं लोग करते हैं, जिसको जो करना है करें, अपने तक रहो, दूसरों की सेंटिमेंट्स को हर्ट मत करो, क्योंकि
तुम्हारी वजह से, क्योंकि कुछ लोगों के कामों की वजह से अगर पूरा समाज एक कैटेगरी के अंदर आ जाता है कि हाँ मुसलमान ऐसे ही होते हैं, तो फिर तुम जैसे लोगों की ही गलती है। और तुम लोग जस्टिफाई करने नहीं आओगे, तुम लोग सफाई देने नहीं आओगे, सॉरी बोलने नहीं आओगे, तो एक इमेज बनती रहेगी कि भारत का मुसलमान, भारत की मेजॉरिटी, भारत के हिंदू, भारत का मूल नागरिक उसके खिलाफ है। तो जाहिर सी बात है लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। अब आप दूसरी क्लिप का वो छोटा हिस्सा देख लीजिए और वो क्लिप उस ओरिजिनल वीडियो में आपको मिल जाएगी जो उसके चैनल पे। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिए। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा, ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रही है। लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है डायरेक्टर बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं ले। तो मैं ऐसे मूवी देख रहा था। इस क्लिप के अनुसार उसने गोधरा कांड का जो भी मजाक उड़ाया आपने सुना। गोधरा कांड में बहुत सारे कार सेवक मारे गए थे, पर इसमें एक कोई बाद में केस निकला था तो कोई एक मुसलमान ही निकला था कल्प्रिट, जिसने कुछ प्लांट किया था, आग वाग लगाई थी, कुछ था ऐसा। इस कांड में इतने लोग मर गए, उसको इतने मजाकिया ढंग से रेस करके उस पर कोई जोक बना रहे हो, लोग हंस रहे हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स हट हो। अगर मान लो उसमें मरे हुए किसी का परिवार का कोई व्यक्ति देख रहा हो यूट्यूब पे या कहीं उसको पता चले, तो उस पर क्या बीतेगी इसका तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किसी घटना में किसी के परिवार का कोई एक व्यक्ति मर गया, क्या पता पूरा पूरा परिवार मर गया हो, एक दो लोग बचे हों, और वो लोग देखें सुने तो उनको कितना बुरा लगेगा। और वो क्लिप अभी भी तुम्हारी वीडियो में है। मैं ये सारी बातें उससे कहना चाहता हूँ, मैं आज जनता से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज उससे बात करना चाहता हूँ अगर वीडियो को मेरी उस तक पहुँचा सकता है, कि तुमने वो चीज़ें की हैं जो लोगों को डायरेक्टली हर्ट कर सकती हैं, एक रिलीजियस बेसिस पे और एक पर्सनल बेसिस पे। और इसको तुमने अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच मान के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मान के ये सब चीज़ें की हैं, तो सबसे बड़े जाहिल तुम। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डजंट गिव यू द लाइसेंस टू अब्यूज़। तो ये सब चीज़ें समझ के रहना चाहिए तुमको। और जिस समाज में रहते हो, जिस भाईचारे की तुम लोग बातें करते हो, जब तुम्हें कोई क्रिटिसाइज़ करता है कि नहीं सब एक हैं, सब भाईचारा है, तो जब तुम किसी को गाली दो, तुम किसी को जलील करो, तो तुम्हें भी ये सब समझ के पहले से रहना चाहिए कि इसका क्या तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।